नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। जो हमने कल पढ़ा था बच्चों, दोस्तों जो हमने कल पढ़ा था वो हमारा था स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के हम प्रकार पढ़ रहे थे हमारा जो अब तक चार। एक मिनट बच्चों, एक मिनट बस। अब तक जो हमने पढ़ लिया था वो हमारे चार प्रकार पूरे हो चुके हैं स्वर संधि के। अब हम इसके अंतिम और स्वर संधि के अंतिम और पांचवें प्रकार की बात करते हैं जिसे बोलते हैं अयादि स्वर संधि। अगर स्वर संधि है तो जाहिर सी बात है कि दो स्वरों का ही मेल आपस में होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ए के साथ यदि क्या आता है ए, तो क्या बनता है ए। यदि ए के साथ क्या आता है आ, तो क्या बनता है आय। ठीक है, अर्थात अयादि स्वर संधि में एक स्वर, जो दोनों स्वर होते हैं लेकिन एक कंठ कंठोष्ठ्य होता है, एक कंठोष्ठ्य होना आवश्यक है। एक तरफ पहले वाला कंठोष्ठ्य होगा या फिर यह होगा ओ प्लस औ प्लस ए या आ। आओ या आओ, ए ओ। ठीक है, अब ये आपको बाद बताऊंगा, पहले उससे देखते हैं। ठीक है, ये जो होता है अयादि स्वर संधि में ए छोटे ए या बड़े ए का मेल यदि ऐसे होता है तो बनता है छोटे ए का मेल, यदि ऐसे होता है तो बनता है आए, और बड़े ए का मेल अगर बड़े मे का मेल अगर आ से होता है तो क्या बनता है आए। बड़े ए का मेल अगर ऐसे ही होता है आ से नहीं, ऐसे ही होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा आए। छोटे ए का मेल अगर ऐसे होता है तो क्या बनता है आए आए, और बड़े ए का मेल अगर ऐसे होता है तो क्या बनता है आए। ठीक है, अर्थात ये कंठ तालव्य है और ये कंठ है, जब इनका मेल आपस में होता है इससे अलग भी, मतलब कंठ तालव्य के साथ किसी भी स्वर का मेल हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इसके साथ हो सकता है ए प्लस ए प्लस ई, तो क्या बन जाएगा, क्या है ए प्लस ई, क्या बनेगा आई। ठीक है, अगर ये होता है ए प्लस ई तो क्या बनेगा आई। ठीक है, अगर होता है ए प्लस ओ तो क्या बना आ यू। ठीक है, ठीक है, अगर ये बना ए प्लस ओ तो क्या बना आयू। ठीक है, इसी प्रकार अन्य स्वर की मात्रा, या तो अगर छोटे ए के साथ आता है तो आ ए पे, और यदि बड़े ए के साथ आता है तो क्या बनता है आए आयू पे, आए आए पे आए पे। ठीक है, मैं और भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यदि ए के साथ ओ आता है तो क्या बनता है बच्चों, साथ साथ लिखते रहेंगे क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती कि मैं इसे साथ साथ इतना कुछ लिख सकूं। बस आप लोग समझ जाइए कि मात्राएं साथ साथ लगती रहेगी इन दोनों के साथ, जो भी आता रहेगा वो मात्राओं के साथ इनके साथ लगता रहेगा। जैसे एग्जांपल आते रहेंगे मैं आपको अच्छे से समझाता रहूँगा। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसके लिए याद रखना कि इसमें अधिकतर मात्रा का प्रयोग नहीं होता। मतलब जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एक एग्जाम्पल है गायक, क्या मात्रा में कोई मात्रा है ओ की या किसी की मात्रा है, नहीं है। तो अब देखिए संधि छेद कैसे होगा इसका, गायक हमें पता है, हमने देखा गायक आय आ रहा है आय आ, और ये आ रहा है ये कैसे बन सकता है। यण संधि में ये आता था, लेकिन यण संधि की एक पहचान थी कि यण संधि में आय, अगर यण संधि में क्या होता था, जैसे यण संधि में होता था ये या यू, मात्रा बाद में आती थी, लेकिन यहाँ पे मात्रा पहले आती है, आगे मात्रा इसमें पहले आई है लेकिन उसमें बाद में आती है। और इसमें पहला एक ऐसे जो अक्षर होता था वो पहला अक्षर आधा होता था, लेकिन यहाँ पे पहला अक्षर आधा नहीं होता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा गायक, तो ये उसमें चला जाएगा, ये तो गायक दूसरे उसका हो जाएगा है ना, ये गायक, ये हो जाएगा आपका गए प्लस, गए प्लस आ यक, आय कहीं से बनेगा ऐसे, ठीक है, ये बड़ा ए और अक से क्या बना गायक, यहाँ हो गया आपका ए प्लस ए, क्या बना गायक, जैसे देखिए गायक का हमने देखा, गायक को लिखा, गायक में हमने देखा हमें आय लाना, आ ये आय कहीं से आएगा, आय बनाने के लिए हमारे पास नियम होता है बड़ा ए प्लस ए, हमने देखा बड़े ए गे आए प्लस क्या बचा अक, तो बड़ा ए प्लस ए से क्या बना, ये बना आय, नियम वही है, ये मात्रा यहाँ से हट जाएगी और यहाँ से ए चला जाएगा, बचे हुए के साथ हम इसे लगाएंगे, तो क्या बना गाय, आ की मात्रा ये और बचा हुआ के क्या हो गया गायक, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं विधायक, क्या हो जाएगा विधायक, विधायक, ठीक है, विधायक को हम कैसे कर सकते हैं, विधायक का होगा विधे, संधि विच्छेद करने पर देखते हैं क्या आता है विधे, क्योंकि यहाँ पे आय है तो आय लाने का हमारे पास नियम है बड़ा ए प्लस ए, तो विधे प्लस अक क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा ए प्लस ए क्या बना आय, सॉरी ये हो गया आय, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वही नियम होता है कि ये हट जाएगा और ये भी चला जाएगा, बड़ा ए की मात्रा और क्या गया इनके स्थान पर ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वी था आ की मात्रा यहाँ पे ये और क्या बचा हुआ क्या हो गया विधायक, हो गया विधायक। अगर हम बात करते हैं नैन, नैन हमने देखा ये यण अयादि संधि का उदाहरण है, क्योंकि यह तो आया है, यह अयादि संधि में भी आता है और यण संधि में भी आता है, लेकिन यह से पहले अधाक्षर नहीं आया तो बचा क्या अयादि संधि, लेकिन ये क्या है, ये है ए और ये मात्रा, इससे पहले है नहीं तो ए मात्रिक स्वर ए और यह, और ए और यह बनाने का नियम क्या है, ये वाला एक मात्रा, तो ये हो जाएगा ने प्लस अन, ठीक है, ये हो जाएगा छोटा ए प्लस ए, छोटा ए प्लस हो रहा है क्या बनता है आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की मात्रा हटेगी यहाँ से ने, ए की यहाँ से हटेगी, ये लगा दिया जाएगा ये और ने, क्या हो गया नैन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, चलो मैं सिरप कर देता हूँ पहले, फिर देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं नायिका, क्या होगी नायिका, नायिका में आई आया है आई, ठीक है, यह से पहले कोई अधाक्षर नहीं आया तो इसका मतलब यण संधि तो होगा नहीं, यह आने के लिए हमारे पास दो ही है, या तो यण संधि या अयादि संधि, हमने देखा यह से पहले अधाक्षर नहीं आया तो यण संधि तो ये है नहीं, अब बचा क्या, बचा आपका अयादि संधि, अयादि संधि के हमने देखा आई 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 आया, आई बनाने का नियम क्या है, ये रहा यहाँ पे आई, बड़ा ए प्लस बड़ा, बड़ा ए प्लस यहाँ पे छोटा ही होता है, ठीक है, दोनों पे एक ही मात्रा दी थी बिल्कुल, ठीक है, इसे यहीं पे रखिए, ठीक है। अब देखिए इसे, तो ने प्लस इका, ठीक है, तो बड़ा ए प्लस ई क्या बन गया
आई, ठीक है, बड़ा ए प्लस ई आई बना आई, ये हट जाएगा यहाँ से और इसकी मात्रा, ये भी मात्रा चली जाएगी, ये भी चला जाएगा, सॉरी इनके स्थान पर दोनों के ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ने आ ये ई का यहाँ से नायका, क्या हो गया नायका। अगर हम देखते हैं दाइनी, दाइनी क्या है, दाइनी ठीक है, हमने देखा इसमें भी ये आया हुआ है और ये आने का बस एक ही नियम है, वो नियम कैसा है, ये के साथ आई आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये यण संधि है तो क्योंकि अध्यक्षर तो आया नहीं इससे पहले, तो क्या बचा, यण संधि, सॉरी यण संधि नहीं है, दीर्घ संधि। अब हम देखते हैं यहाँ पे आई आने का नियम, आई ये वाला है दे, दे प्लस इनी, तो ये क्या हो गया ए प्लस, सॉरी ये हो जाएगा आपका इनी, ए क्या बन जाएगा आई, तो हम इसे लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम दे, ये दोनों हट जाएंगे, आ की मात्रा ये ई नी दाइनी, बच्चों मैं साइन डाल लेता हूँ क्योंकि मार्कर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ी साइन इसमें डाल लेता हूँ, बस एक मिनट के लिए रुकना। चलो बस एक मिनट के लिए मैं बस साइंस में डाल देता हूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहा है, बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, अच्छे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये साइन की सीसी भी मैंने खुली हुई रख दी है, ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, दाइनी हो गया आपका ये एग्जांपल, ठीक है, अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा ना बच्चों। मैं जानता हूँ ये जो संधि होती है थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन अगर हमारी समझ में आ जाती है, हम इनका अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत आसान भी लगने लगती है, लेकिन एक दिक्कत इनके साथ है, एग्ज़ाम में तो ये आएंगी और नंबर भी दे के जाएगी, अगर आपने चीज़ समझ लिया तो इतनी आसान होती है कि नंबर आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं, संधि आपको फ्री के नंबर दे के जाती है, संधि तो अगर अच्छे से कर लोगे तो फ्री का नंबर है ये, और इसे करना ही होगा बच्चों क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, दायक देख लेते हैं, दायक क्या, दायक आज हमें स्वर संधि और स्वर संधि पूरी ख़त्म करनी है, ठीक है, आज हमें देखना है इसे, लास्ट कर देना बिल्कुल, दायक देख लेते हैं, दायक होगा आपका आय, आय बनाने का बस एक ही नियम है, आय बड़ा ए प्लस ए, तो ये हो जाएगा दे प्लस अक, ठीक है, ये बड़ा ए हो गया यहाँ से प्लस ए आया तो क्या बना आय, तो ए की मात्रा यहाँ से हट जाएगी और ए की यहाँ से, इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा, हम लिखते हैं दे, दे तो ऐसे रहेगा, आ की मात्रा आएगी ये आएगा और फिर क्या आएगा, क्या बना दायक, आया दायक देख लिया। एक और देख लेते हैं शायक, या फिर कुछ और देखते हैं, शैन देखते हैं, शैन शैन को देख लेते हैं अच्छे से, शैन में शैन को अगर हम देखते हैं तो ये आया हुआ है, इसका मतलब यण संधि या आयादि संधि है, यण संधि के लिए यह से पहला जो वर्ण होता है वो आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई आधा वर्ण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें देखते हैं आधा वर्ण नहीं होने के कारण हम इसमें देखते हैं अब क्या आयादि संधि, तो इसे संधि विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद के लिए हमने देखा शे ए यन, अर्थात ये ए है, ए और ये है ये, ठीक है, तो ये बनेगा शे प्लस अंश, तो ए प्लस ए
क्या बना? आए, ये हो गया शे, एक ही मात्रा हट जाएगी यहाँ पे, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये और ने, क्या हो गया शैन। अब यण संधि का दूसरा उदाहरण, यण संधि का दूसरा नियम देखते हैं जो ओ के साथ आता है, ठीक है। यण संधि का हम दूसरा नियम देखते हैं जो कि ओ के साथ आएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे बड़ी ही होगा या बड़ा हुआ होगा तो मात्रा उसी के अनुसार लगती चली जाएगी, ठीक है, ये कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। बच्चों बहुत तेज प्यास लग रही है, बस एक बार मैं पानी पी लूँ। अगर यण संधि का इससे आगे देखते हैं हम, तो यण संधि में देखते हैं हम ओ प्लस ए, साथ मिलके बोलिए ओ ए, ओ ए, क्या साउंड आती है वे, ठीक है, ओ ए, क्या साउंड आई ओ वे, ओ वे की साउंड आई अर्थात ओ ए वे, ठीक है। अगर बात करते हैं हम बड़ा ओ प्लस ए, क्या बना ओ ओ ए, ओ आओ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओ प्लस ओ, क्या बना आओ, ठीक है, सॉरी ठीक है। अगर बना आओ प्लस छोटा ओ आए या बड़ा ओ कोई से भी आ जाए सेम होता है, मात्रा बदलती रहती है आउ, एक में हो जाएगा आउ और एक में हो जाएगा आउ, ठीक है, सब कुछ ये होता है, मात्राएं बदलती रहती है यहाँ पे, आउ और आउ के साथ खेल जितना भी काम होगा आउ और अव के साथ होता रहेगा। अगर एक दो और देखना चाहते हो तो हम बता देते हैं आपको, अगर ओ के साथ ई आता है तो क्या बनता है अवी, और आओ के साथ ही आता है या छोटी आता है तो क्या बनेगा, छोटी ही आएगा, तो बनेगा आवी। अगर बड़ी आ गया तो बन जाएगा आवी, ठीक है। बस मात्राओं का खेल चलता रहेगा, सब कुछ मात्राओं में आपको आपको दिखता रहेगा, सब कुछ मात्राओं में होना है, मात्राओं के अनुरूप ही सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, हम एग्जांपल होंगे आपके जैसे अभी, सबसे पहले ये देखते हैं अभी क्या बनेगा, बताइए अभी का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम, अभी का करेंगे हमने देखा वी, वैसे पहले अदाक्षर नहीं है तो यण संधि तो नहीं होगा, बचा हुआ होगा अयादि संधि, अयादि संधि में इसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे इसका अभी, अभी आने का एक ही तरीका है, अभी गिरा, अभी अभी बड़ा ही आया तो मात्रा इधर को चली जाएगी, ठीक है। इसमें तो ये हो जाएगा, मैं आपको लिख देता हूँ फिर आप लोग बोलोगे कि नहीं सर आपने बताया नहीं था, ठीक है, ये हो जाएगा अभी,
बच्चों डिजिटल बोर्ड होगा तो अच्छे से पढ़ा सकते हैं हम आप लोगों को, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में फ़ायदा ये होता है कि हम उसे मतलब आपको पेज से चेंज कर सकते हैं, उसको भर गया तो इसको अगला पेज आ जाएगा, यहाँ से पूरा हो गया तो अगला आ जाएगा, आपको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है। और ये सब कुछ आपकी सपोर्ट से ही तो होगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जैसे आप लोग शेयर सब्सक्राइबर तो शेयर तो शायद बिल्कुल वीडियो को करते ही नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना। जो गुरु आपको पढ़ाता है उसकी बात थोड़ी तो माननी चाहिए ना, गुरु दक्षिणा ही सही। ठीक है बच्चों, थोड़ा शेयर करते रहिए, दोस्तों तक पहुँचाते रहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ग्रुप में शेयर करिए वीडियो को। देखते हैं ओ प्लस ई, क्या बना ओ प्लस ई अभी, ठीक है क्या बना ओ प्लस ई अभी, सेम यही बन गया अभी। देखते हैं हम इसको, जो ओ है ये हट जाएगा यहाँ से, कुछ भी नहीं अभी रह जाएगा, ऐसे कर दिया, हो गया अभी, यहीं पे अभी आ गया ही। ठीक है ओ प्लस ई क्या बनता है अभी, ठीक है क्या बना अभी। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देखते हैं पवित्र, पवित्र। अब देखिए पवित्र कैसे होगा, पवित्र वी की मात्रा है वी, और वी के लिए होता है हमारा व, के लिए होता है ओ प्लस ए आओ, ये है वी। तो ओ तो पो प्लस, अब हमें क्या क्या देखना है ताकि हमारा वी आ सके, सॉरी बच्चों इत्र, ठीक है अब तो ठीक है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये होगा ओ प्लस ई, क्या बनेगा ये होगा, ये बनेगा ए वे ई अभी, ठीक है ये बन गया अभी। अब हम देखते हैं यहाँ पे पो प्लस ई ये बना ना, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं ओ की मात्रा हट जाएगी यहाँ से और ई चला जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा पे, ए की कोई मात्रा नहीं होती इसलिए वे ई और त्रे, क्या बन गया पवित्र क्या हो गया पवित्र। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं श्रवण, श्रवण क्या हो गया श्रवण या श्रवण, कुछ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है श्रवण, ठीक है श्रवण गृह देखते हैं हम, व्य आया है और व्य आने के लिए होता है हमारे पास आओ ओ प्लस ए, तो श्रो प्लस अन, ठीक है तो ओ प्लस ए क्या बनेगा आओ आओ। अब हम देखते हैं ओ की मात्रा हटेगी और ए की, यहाँ पे ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा श्रेय, प्लस ए की कोई मात्रा नहीं तो वे और ने श्रवण, हो गया श्रवण, ठीक है। बच्चों संधि के बस नियम याद करिए, अगर आप संधि के अच्छे से नियम याद कर लेते हैं तो संधि बहुत आसान हो जाती है, अगर आपके नियम अच्छे से याद है तो संधि भी आसान है, आपका एग्ज़ाम में कुछ भी आएगा आप अच्छे से सोल्व उसे कर लोगे, बस आपको संधि के नियम को अच्छे से याद करना ही होगा, ठीक है नियम याद करिए सब कुछ अच्छा होगा, आपके सब कुछ याद हो जाएगा। आप देखते हैं हम गवीश, हमारा अगला जो उदाहरण होगा या एग्जाम्पल होगा गवीश। अब देखिए बहुत आसान होता है, हमने देखा वे और वी आया, वी वे आने का सिर्फ दो ही नियम होते हैं, या तो यण संधि में या वे उसमें भी आता है, ठीक है ऊ के साथ ए आया तो क्या बना वे, ठीक है लेकिन एक अयादि संधि में हमने देखा यार यण संधि में तो वे से पहले आधा अक्षर आता है लेकिन इसमें आधा है नहीं तो बच्चा कौन सी अयादि संधि, तो अयादि संधि हो सकता है, तो अयादि संधि हो गया। हमने अब इसका नियम देखा वी, वी बनने के लिए क्या होगा, क्या ए प्लस ए वे होगा, नहीं ए प्लस ए होगा आई 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 ए और ए आई, लेकिन हमने देखा वे बनाने के लिए तो हमें ओ प्लस ए करना होगा, ओ प्लस ए करेंगे क्या बनेगा आओ, हमने देखा आओ तो हमने बना लिया लेकिन ये तो वी है तो वी बनाने के लिए हमें ई की मात्रा चाहिए, हमने क्या किया हमने देखा ओ प्लस ई छोटा ओ छोटा, यहाँ पे ए है ना तो छोटा ओ आएगा, ओ प्लस ई जोन सही है बड़ा ई क्या बन गया अभी, तो यही होते इसके नियम बनाने का। तो हमने देखा ये बना, इसे हम बना सकते हैं क्या गो प्लस, गो प्लस ईश हो गया। अब हमने देखा ओ ठीक है प्लस बड़ाई क्या बना अभी, बना अभी
अब इस ओ की मात्रा यहाँ से हट जाएगी, क्या रह जाएगा गे, ओ की मात्रा हट जाएगी और ई की हट जाएगी, क्या अभी ए की कोई मात्रा नहीं होती, तो वे ई और शे, क्या हो गया गवीश, हो गया गवीश, ठीक है। अब ये कुत्ता कितना भौंक रहा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अब बाहर जाके इसको तो पीट नहीं सकता हूँ, इसका तो काम है भौंकना, अब बताइए आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट मुझे नहीं है, जब तक आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं करोगे बताइए क्या कर सकते हैं, सपोर्ट करोगे तभी तो कुछ करेंगे ना। तो बच्चों बस इतना ही है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा यार सब्सक्राइब तो कराइए कम से कम, शेयर तो करिए, दोस्तों के पास पहुँचाइए इसे कम से कम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के पास पहुँचाइए, नहीं लगती तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपकी यहाँ से पढ़ाया समझ में नहीं आता, आप शेयर नहीं करते चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर आपका यहाँ से पढ़ाया हुआ समझ में आता है, आप घर पे जाके जो निकालते हैं वो निकल सकते हैं, तो फिर तो दोस्तों तक पहुँचाने का अधिकार है ना, फिर तो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए कि हाँ यार अच्छा समझ में आता है, मेरी राइटिंग ख़राब है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका बेस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आप लोगों को पढ़ाऊँ वो अच्छी मतलब आसान लैंग्वेज में पढ़ा सकूँ, इतना टाइम देता हूँ मैं एक एक उदाहरण को समझाने के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ से मैंने ये बताया कि कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं, कैसे हम नियम के अनुसार समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो अगला एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका एग्जाम्पल लेते हैं भावुक, भावुक हमने देखा वो आया आऊ आऊ आ और वो आया है, अब वे आने का नियम एक ही होता है, या तो यण संधि होगा या फिर आयादि, दो नियम होते हैं इसमें, यण आयादि, वे से पहले हमने देखा कोई आधा स्वर नहीं, यण संधि हुआ खत्म, अब बचा क्या हमारा आयादि संधि, आयादि संधि को हमने नोट करके देखा कि आ रहे आ, आ आने के लिए वे आने के लिए हमारे पास ओ और ए का संगम होना चाहिए, तो अव आएगा वे आ जाएगा, ठीक है कन्फर्म हो गया। अब हम देखते हैं सॉरी अब हमारा आव आ रहा है, आ आ आने के लिए बड़ा ओ और ए के साथ आ आता है आव, नहीं तो छोटे ओ के साथ तो अव आता है, लेकिन हमारा तो आ और आ और वे है, ठीक है तो हमें कंफर्म हो गया और बड़ा ओ आएगा। अब हमने देखा वो ऊ की मात्रा आ रही है तो बड़ा ओ भी कंफर्म है, आप ऊ ले लेते हैं तो बन गया कि क्या बड़ा ओ प्लस ऊ ले लेते आव बन गया ना। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं भय बड़ा ओ, इसका अर्थ होता है भो प्लस हमने देखा आऊ बनाना है, क्या लेना चाहिए अक ले लेते हैं, नहीं उक लेते उक, छोटा ऊ प्लस के उक, ठीक है छोटा ऊ प्लस के हो गया उक, भो प्लस उक हो गया। अब हमने देखा हमारा बन जाएगा, छोटा ऊ यहाँ पे था, हमने देखा ओ बड़ा ओ प्लस उक ऊ, क्या बना ये बना आवू। अब भो से औ की मात्रा गई और उक से ऊ गया, तो इनके स्थान पर दोनों के क्या है आवू, तो हमने देखा भय आ की मात्रा होती है आ, वे ऐसा ही वो और बच्चा हुआ के, क्या हो गया भावुक। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, देखो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आता है, हम जितना भी यहाँ पे मेहनत करते हैं आपको लगता है कि इसे पढ़ने के बाद आपकी समझ में भी आता है, आप अच्छे से अपने घर पे जाके प्रैक्टिस करते हो तो सवालों को निकाल भी सकते हो, कुछ जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसमें निकल भी जाता है अच्छे से, और आप लोगों की अच्छे से समझ में आ रहा है तो फिर तो आपका फ़र्ज़ होना चाहिए ना कि अपने दोस्तों तक पहुँचाया जाए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब किया जाए ताकि स्वाध्याय श्री एक बड़ा परिवार बन सके, एक इतना बड़ा परिवार जिसे लोग जान सके, ठीक है ना, ताकि स्वाध्याय से इतना बड़ा तो होना चाहिए कि आप लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों की समझ में आता है, मैडम का पढ़ाया मेरा पढ़ाया कुछ भी समझ में आता है तो आप लोग दोस्तों तक पहुँचाइए, फिर आप ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अगर पढ़ाए हुए पढ़ाने के बाद आपकी समझ में भी आता है, समझ में आने के बाद आप उसे घर पर जब प्रैक्टिस करते हो तो निकाल भी सकते हो, तो आपका फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर पहुँचाइए, ठीक है बस इतना ही। आप लोगों से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों। और हाँ आज के ये आपका स्वर संधि हमने पूरा ख़त्म कर लिया है, अगला टॉपिक हमारा यण संधि होगा, अगला टॉपिक हमारा व्यंजन संधि होगा, हमारा जो था आपका ये